को फीवर आया। हाँ फीवर के बाद फैमिली डॉक्टर जो उनको बुलाए थे। हाँ तो उनने पहले गोली दवाई दी तो फीवर चेक किया तो 4 डिग्री बुखार हुआ। हाँ तो बोतल चढ़ाई ग्लूकोज की, उसमें मतलब उनने शायद 5 से 6 इंजेक्शन डाले। फिर उनने मतलब वो इंजेक्शन डल ही रहे थे, जैसे वो इंजेक्शन डालने का मैंने सर पेट में दुख रहा है मेरे को हल्का सा, तो इतना बोला मैंने, उसके बाद फिर सीधा हार्ट में पेन होने लगा। जैसे उन्होंने दवाई डाली, दवाई डाली नहीं, दवाई वाला इंजेक्शन डाले नहीं। उसके पहले भी मैंने बोला बॉटल लेकिन चल रही थी। हाँ बॉटल चल रही थी, उसमें कुछ इंजेक्शन डल चुके थे कि पानी था। 4-5 इंजेक्शन डल गए, मुझे थोड़ा सा दुखा और वॉमिट जैसी लगा मेरे को। क्योंकि फीवर उस टाइम 104 था और मैंने उनको 4 मना भी किया, मतलब फीवर 104 है, मेरा फीवर सांस जान दो उसके बाद लगा देना है, तो तुम रात में लगा के चल जाना। लेकिन बोलते कुछ नहीं होगा, मैंने गोली दे दिया तू खा ले। वो गोली भी खा लिया, ऊपर से बोतल भी लगा लिया, अब उतने हाई फीवर में लगा दिया हमने। और वो दर्द यहाँ से उठ के पेट में दुखा, वो फिर सीधा वो दर्द चेस्ट में पहुंचा, फिर दर्द हो गया। फिर उसने पुशिंग वगैरह किया हार्ट पे, बैक में भी करा। उसके बाद फिर मेरे को एक आध गोली उसने मेरी जीभ के नीचे रखा था, तो 2-3 गिलास पानी मारा मेरे मुंह पे। उसके बाद फिर मेरे को होश आया, थोड़ा बोलने की हालत में हुआ, तो मैंने पापा को फोन लगाया। मेरे पापा जी सांस रुक गई थी मेरी, तो आप कहाँ पर आ जाओ। तो फिर पापा आए, फिर पापा के साथ फिर मैं थोड़ा सा सोया। वो सोने का फिर मेरे को ठंड लेके फिर 105 डिग्री बुखार आ गया। अब यहाँ आया तो यहाँ पे मेरे को डाइट भर्ती कर ली है। उसने बोल के लेके 200 रुपए लगेंगे बस। अभी वहाँ 23-24 हजार रुपए भर के आए। 24 हजार रुपया दे दिए 2 दिन में। हाँ बुखार में सिंपल आ गया, तो उन्हीं की दवाई से सीरियस हो गए। उन्हीं की दवाई सीरियस हो, मैंने ईसीजी में तो थोड़ा सा डिफेक्ट लग रहा है, एडमिट तो करना पड़ेगा। और मैं आज पूछ रहा हूँ कि ईसीजी में कुछ हुआ नॉर्मल है ईसीजी? हाँ तो बोलते हैं तुम्हारी ईसीजी नॉर्मल है। ठंड नहीं लगती? रोज आता है, रोज 6 बजे आता है। ठंड लग के? ठंड नहीं लगती मेरे को, घबराहट होती है। क्या होता है घबराहट में? दांत वात मतलब पूरा शरीर कांपता है एकदम। अच्छा शरीर पूरा कांपने लगता है, उसके बाद फिर फीवर धीरे 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 चढ़ने लगता है। जब फीवर चढ़ जाता है फिर ठंड लगने लगती है। उसके पहले ठंड नहीं लगती, फिर अपने आप ऑटोमेटिक शरीर कांपता है। फिर उस समय और क्या क्या होता है? फिर शरीर बस कांपता है, बहुत ज्यादा कांपता है। हाँ पूरा बेड हिल गया था वहाँ हॉस्पिटल का, तो 4-4 हजार उड़ा उसके बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉटल तो मेरे को कम से कम लग गई 22-23 बार। 23 बॉटल लगा दी 3 दिन में। हैं? छोटे एनएस डाल रहा है और आरएल उसमें भी एक पैरासिटामोल का डालता है 2 ml। बुखार आ रहा है मेरे को, बुखार आ रहा है बार बार ठंड लेकर। और 6 बजे करीब आता है, 6 बजे के साथ आता है, 5:30-6 बजे शाम को रोज। हैं? अब कल ही आया, परसों भी आया था 6 बजे करीब, क्योंकि 7 बजे करीब में भर्ती हो गया था। तो शाम को बुखार आने वाला था, वो आया क्या? नहीं। और क्या चेंजेस दिखे आपको ट्रीटमेंट के बाद? और ट्रीटमेंट की वजह से मैं वहाँ भर्ती था, तो मेरे को मतलब अंदर से एनर्जी वगैरह कुछ नहीं थी। हाँ पूरा लूज था मैं। हाँ लेकिन यहाँ की मेडिसिन वगैरह लिया। हाँ उसके बाद फिर मैं बेटर फील कर रहा था, मतलब फीवर इवनिंग में नहीं आया, नहीं आया। नाइट में? नाइट में भी नहीं। फिर अगेन मॉर्निंग में, कल नहीं, दोपहर में नहीं, शाम को नहीं आया, आज सुबह अभी भी, मतलब फीवर दवाई देने के तुरंत बाद ही चला गया, फीवर का कोई इशू नहीं। भूख लगने लगी, वहाँ खाना खा रहे थे आप? नहीं बस चाय पी रहा था। चाय ही पीने के लिए बोला था, खाना नहीं दे रहे थे? दे रहे थे वो, लेकिन मैं खाई नहीं, वहाँ की स्मेल वगैरह वो सब। खाना आप अच्छे से खा रहे हैं? अब तो अच्छे से चल रहा है। आपके साथ ये जो हुआ, इससे आपको क्या सीख मिली, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैंने फर्स्ट टाइम नाम यहाँ सुना, फिर पापा का मेरा इलाज हुआ, उसके पापा का फीडबैक मैंने लिया, जब उसके बाद मेरे को मतलब ट्रस्ट हुआ, फिर चाचा जी लोगों ने भी बताया, तब जाके फिर मेरे को ट्रस्ट मतलब मेरा ट्रस्ट बढ़ा था। होम्योपैथी के प्रति इसलिए मैं एक बार में उठ के आ जाता हूँ, क्यों नहीं आया चलो चलते, नहीं तो मैं वो 4 दिन भर्ती रह जाता हूँ। और होम्योपैथी कैसा है कि एक प्रकार से बोले तो कम अमाउंट में अपन को रिलीफ भी बहुत जल्दी मिल जाता है। वहाँ गया था मैं, इतने दिन में मेरे को 25-30 बोतल लग गई, और यहाँ में सिर्फ 2 डब्बी दवाई में बस ठीक हो गया, मेरे को 1 घंटे में रिलीफ मिल गया था। 1 घंटे में रिलीफ मिल गया।